प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और उसे रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विस्तृत जानकारी दी। ये आर्थिक पैकेज अर्थव्यवस्था के विकास के लिए है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिस पर पीएम मोदी ने जोर दिया, इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान भी कहा गया है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि विदेशी कंपनियों के मुकाबले हमारे स्वदेशी कंपनियों को बल देने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। इसके तहत 200 करोड़ तक के सरकारी खरीद टेंडर में ग्लोबल टेंडर शामिल नहीं होंगे और इसमें एमएसएमईज को फायदा मिलेगा। कि कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं, 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री और कोई नई गारंटी दिए बिना एक और से ऋण उपलब्ध करवाना, उसके अलावा जो बाकी कदम उठाए गए और उनकी परिभाषा बदलने का काम भी किया गया, तो ये कदम उससे एक और सर ऊपर है कि ये सब बदलने के बाद उनको कामकाज जब मिले तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं अनफेयरनेस जो होती थी उसमें हमारे लोकल उद्योग वो पीछे रह जाते थे। तो लोकल को बल, लोकल से ग्लोबल तक जाने की बात जो कल तक प्रधानमंत्री जी ने कही, उसी दिशा में एक ये कदम है। लोकल के लिए वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं, ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं, इसमें यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उस दिशा में कदम